नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहारी अस्मिता को एक नई धार देने वाले आचार्य सिपूजन सहाय के बारे में। रचनात्मक लेखन के लिए बिहार की पत्रकारिता को पहचान है तो इसकी वजह तो बुनियाद है जो आचार्य सिपूजन सहाय सरीखे व्यक्ति की देन है। बहुआमी प्रतिभा के कारण ही राष्ट्रीय फलक पर साहित्य के पुरोधा आज तक यह तय नहीं कर पाए कि सहाय जी एक महान साहित्यकार थे या सिर्फ एक महान पत्रकार। सिपूजन सहाय की रचनाओं से आज पूरा बिहार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आज बिहार की नई पीढ़ी अपने बिहारीपन पर इतराती है। साहित्य व पत्रकारिता जगत के सिप कहे जाने वाले आचार्य सिपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 में बक्सर के इटाही प्रखंड के उनवास गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वे प्रारंभिक शिक्षा के लिए आरा चले गए। पढ़ाई खत्म करने के बाद साल 1921 में उन्होंने हिंदी भाषा में शिक्षक के रूप में अध्ययन कार्य शुरू किया। पत्रकारिता जगत में उनका प्रवेश साल 1923 में हुआ। सहाय जी ने तब कोलकाता में मतवाला नामक पत्र में संपादक की हैसियत से काज संभाला। एक साल बाद वे लखनऊ चले गए जहाँ पत्रिका माधुरी का संपादन किया। इस दौरान उन्होंने महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र का सानिध्य मिला और की कई कहानियों का उन्होंने संपादन किया। कहा जाता है कि बिहारी अस्मिता पर आधारित देहाती दुनिया की रचना उन्होंने इसी क्रम में की थी। बाद में कुछ दिनों के लिए वाराणसी में उन्होंने स्वतंत्र पत्रकारिता की। बिहार की जमीन पर उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भागलपुर के सुल्तानगंज से प्रकाशित गंगा का संपादन किया। साल 1935 में उन्होंने लहेरिया सराय में आचार्य रामलोचन शर्मा के पुस्तक भंडार से प्रकाशित बालक के प्रकाशन की जिम्मेदारी ली। 4 साल यहां गुजारने के बाद उन्होंने छपरा के राजेंद्र कॉलेज में हिंदी प्रोफेसर के रूप में अपना कार्यकाल किया। इस दौरान उनकी पुस्तक विभूति व माता का आंचल ने उन्हें साहित्यकारों की जमात में अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा किया। देश की आजादी के बाद साल 1949 में हुए बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के सचिव बनाए गए। इस पद पर रहते हुए उन्होंने विभिन्न लेखकों को, हम कह सकते हैं कि 50 से ज्यादा साहित्यिक रचनाओं को अपने संपादन में प्रकाशित कराया। बाद में परिषद के वे निदेशक बने। इस दौरान उन्होंने अपने संपादन में हिंदी साहित्य और बिहार के रूप में ऐसी विरासत गढ़ी जो आज भी विचारधारा के शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने की बिहारी शैली में दर्पण है। साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए साल 1960 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 21 जनवरी 1963 में पटना में उनके जीवन लीला समाप्त हो गई, यानी कि वो एक दुनिया से विदा हो गए। सहाय जी के मरणोपरांत भी वे दिन, वे लोग, मेरा जीवन व स्मृति विशेष जैसी उनकी कालजाई रचना प्रकाशित हुई। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं आचार्य सिपूजन सहाय की प्रमुख रचनाओं पर। देहाती दुनिया जो कि 1926 में प्रकाशित हुई थी, मतवाला माधुरी जिसके बाद से उन्हें एक अलग पहचान मिली 1924 में प्रकाशित हुई, गंगा 1931 में प्रकाशित हुई थी जिसका उन्होंने संपादन किया, जागरण 1932 जिसका उन्होंने संपादन किया था, हिमालय 1946 जिसका भी उन्होंने संपादन किया, साहित्य 1950, वही दिन वही लोग 1965, मेरा जीवन 1985, स्मृति शेष 1994, हिंदी भाषा और साहित्य 1996। सहायक ग्रंथ यानी कि सिपूजन रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित हुई जिसे बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने प्रकाशित किया था। इसके बाद आचार्य सिपूजन सहाय की लिखी कई पुस्तकें विभिन्न विषयों से संबंध रखती थी तथा इनकी विधाएं भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की थी। इनकी एक पुस्तक बिहार का बिहार बिहार प्रदेश का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक वर्णन प्रस्तुत करती है। उनकी एक और रचना विभूति में कहानियां संकलित है। देहाती दुनिया 1926 में प्रकाशित हुई थी, प्रयोगात्मक चरित्र प्रधान औपन्यासिक रचना है। इनकी पहली पांडुलिपि लखनऊ के मुस्लिम हिंदू दंगे में नष्ट हो गई थी। इसका सिपूजन सहाय जी को बहुत दुख था। उन्होंने दोबारा वही पुस्तक फिर लिखकर प्रकाशित कराई किंतु उससे सिपूजन सहाय पूरा संतुष्ट नहीं थे। सिपूजन सहाय ने कहा करते थे कि पहले की लिखी हुई चीज कुछ और ही थी। ग्राम सुधार और अन्नपूर्णा के मंदिर में नामक 2 पुस्तकों के ग्रामोद संबंधी यानी कि गांव संबंधी लेखों के संग्रह है। इसके अतिरिक्त 2 पड़ी एक हास्य कृति है, माँ के सपूत बालोपयोग यानी कि बालकों के लिए रचना है तथा अर्जुन और भीष्म नामक 2 पुस्तकें महाभारत के 2 पात्रों की जीवनी के रूप में लिखी गई थी। सिपूजन सहाय के अनेक पुस्तकों का संपादन भी किया जिसमें राजेंद्र अभिनंदन ग्रंथ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने इसकी विभिन्न रचनाओं को अब 4 खंडों में सिपूजन रचनावली के नाम से प्रकाशित किया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।